आपके पास भी रियलमी 13 प्लस है एंड मसला ये आ रहा है कि दोस्तों आपने ड्यूल सिम पे इंटरनेट यूज़ करना है एंड इंटरनेट की स्पीड भी या तो स्लो आ रही है बहुत ज़्यादा या दोस्तों सिर्फ शो करता है लेकिन इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल भी नहीं आती, सिर्फ डेटा की ऑप्शन शो करता है सिर्फ। तो दोस्तों इसको कैसे सेटिंग करनी है, कैसे एपीएन सेटिंग करनी है आपको आसान सेटिंग बताऊंगा, उसके बाद आपके इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। उसके लिए दोस्तों आपने सबसे पहले डेटा को ऑफ करना है एंड आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद तो आपने आ जाना है मोबाइल नेटवर्क पे। दोस्तों आप मेरे पास ड्यूल सिम लगी हुई है, अगर आपने सिम वन पे सेटिंग करनी है तो वन में आएंगे, सिम टू पे सेटिंग करनी है तो सिम टू पे आ जाएंगे, नेटवर्क पे आएंगे। दोस्तों अगर आपके पास दोस्तों 5G की सपोर्ट है तो आप 5G पे आएंगे, अगर आपके पास 4G की सपोर्ट है तो 4G पे ही सिलेक्ट कर लेंगे आप। तो अभी दोस्तों मैं करता हूँ 5G पे सेटिंग। एक्सेस पॉइंट पे आके दोस्तों आपने एक न्यू एपीएन बना लेना है। यहाँ पर मेरे पास जो नेटवर्क है दोस्तों उसका नाम ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पर, आपके पास जो भी नेटवर्क है उसका नाम ऐड कर दीजिए एंड 5G टाइप कर दें यहाँ पे एपीएन में, डन कर दें यहाँ से। एंड यहाँ से हम सेटिंग जो हमने बनाई है इसको एक्टिव कर देंगे। वापस आएंगे दोस्तों इंटरनेट पे, तो दोस्तों इंटरनेट हमने कौन सी सिम में यूज़ करना है, टू में, तो हमने यहाँ से टू पे ही स्विच कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपने डेटा को करना है ऑन एंड इंटरनेट की स्पीड आप चेक कर सकते हैं, हमारी तो इंटरनेट की स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।